महिंद्रा ने अपनी 7.4 मीटर SUV 3XO को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है और इस वीडियो में हम इसकी बेस मॉडल MX-1 को कंपेयर करने वाले हैं मारुति फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल सिग्मा के साथ और देखेंगे कौन सी गाड़ी सबसे वैल्यू क्रिएट करेगी आपके पैसों के ऊपर। सबसे पहले डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं तो SUV 3XO का लेंथ रहेगा 3990 मिलीमीटर, फ्रॉन्क्स की रहेगी 3995 मिलीमीटर, विड्थ है 1821 मिलीमीटर, 1765 मिलीमीटर, हाइट है 1647 मिलीमीटर, 1550 मिलीमीटर, व्हील बेस है 2600 मिलीमीटर की, 2520 मिलीमीटर की, बोट बेस है 364 लीटर की, 308 लीटर की, टायर साइज दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 इंचेस की मिलेगी जबकि ग्राउंड क्लियरेंस आपको 201 मिलीमीटर की मिलेगी 3XO में, फ्रॉन्क्स में मिलेगी आपको 190 मिलीमीटर की। तो डायमेंशन को अगर यहां पर कंपेयर करें तो SUV 3XO इजीली फ्रॉन्क्स को बीट कर देती है। आपको सेगमेंट लीडिंग व्हील बेस मिल जाती है जिसके वजह से गाड़ी के अंदर आपको काफी बढ़िया केबिन स्पेस फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों में ही मिलेगी। उसके साथ हेड रूम, लेग रूम, शोल्डर रूम सभी बहुत ही बढ़िया होगी। उसके साथ जो कमियां गाड़ी में थी जैसे कि बोट स्पेस को लेकर और ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर उसको भी इम्प्रूव कर दिया गया है तो वो टेंशन भी आप गाड़ी में आपको मिलेगी नहीं। तो डायमेंशन के मामले में SUV 3XO इजीली फ्रॉन्क्स को बीट कर देती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो SUV 3XO और फ्रॉन्क्स दोनों के ही बेस मॉडल में आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है, डीजल नहीं मिलता। फ्रॉन्क्स में तो खैर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता ही नहीं इसलिए हम पेट्रोल को ही कंपेयर करेंगे। तो SUV 3XO में आपको मिल जाता है 1200 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज MPFI इंजन जो 110 BHP के साथ 200 NM टॉर्क जेनरेट करती है। भारी भरकम पावर मिल जाता है आपको इस इंजन में जो 6-speed मैनुअल के साथ 18.89 केएमपीएल माइलेज भी क्लेम करती है जबकि फ्रॉन्क्स में आपको मिल जाता है 1200 सीसी का 4 सिलेंडर डुअल जेट डुअल VVT पेट्रोल इंजन जो 89 BHP के साथ 113 NM टॉर्क पेट्रोल में जेनरेट करती है, 76 BHP के साथ 99 NM टॉर्क CNG में जेनरेट करती है। 5-speed मैनुअल में ये गाड़ी आपको मिलती है 21.79 केएमपीएल मैनुअल में जबकि 28.51 किलोमीटर पर केजी का माइलेज CNG में क्लेम करा जाता है। तो इंजन स्पेसिफिकेशन को अगर यहाँ पर कंपेयर करें, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए आपको 3XO प्रेफर करनी चाहिए, अगर आपको एक अच्छी रिलायबल इंजन के साथ अच्छी माइलेज चाहिए, CNG का सपोर्ट चाहिए, कंपनी फिटेड, तो आपको फ्रॉन्क्स प्रेफर करनी चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉम्फर्ट फीचर्स की। सबसे पहले कॉमन फीचर्स की बात कर लेते हैं तो वो है ऑल फोर पावर विंडोज, 60-40 फोल्ड रेयर सीट, फ्रंट एंड रेयर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैंप, 12 वोल्ट पावर आउटलेट। अब सिर्फ 3XO में मिलने वाले फीचर्स की बात करते हैं तो वो है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, स्मार्ट स्टीयरिंग मोड्स, रियर एसी वेंट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वार्ड वेंट्स। अब सिर्फ फ्रॉन्क्स में मिलने वाले फीचर्स की बात करते हैं तो वो है रिमोट कीलेस एंट्री, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइवर साइड विंडो ऑटो अप डाउन फंक्शन विद एंटी पिंच फंक्शन। SUV 3XO में आपको ड्राइवर साइड में जो कंट्रोल मिलता है उसमें वन टच डाउन मिलती है आपको, वन टच अप नहीं मिलती और ना ही एंटी पिंच फंक्शन मिलती है। उसके साथ व्हील कवर, शार्क फिन एंटेना और रियर डिफॉगर। तो कॉम्फर्ट फीचर को अगर यहाँ पर हम कंपेयर करें तो आप लोग देख सकते हो बेस मॉडल है तो थोड़े बहुत फीचर की कटौती आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलेगी लेकिन अगर आप दोनों ही गाड़ियों के फीचर्स को देखोगे गौर से तो फ्रॉन्क्स में आपको लगभग कंप्लीट पैकेज कंपनी आपको ऑफर कर रही है, सिर्फ म्यूजिक सिस्टम नहीं है जबकि 3XO में आपको म्यूजिक सिस्टम के साथ रिमोट कीलेस एंट्री जैसे फीचर भी मिलता नहीं है जो आपको आफ्टर मार्केट से इंस्टॉल करना पड़ेगा जो आपको फ्रॉन्क्स में कंपनी ने पहले से ही दे दिया है। म्यूजिक सिस्टम नहीं है, इसके अलावा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है जो 3XO में मिलता नहीं है। मैं मानता हूँ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो या फिर मैनुअल एसी हो दोनों ही काम करेगी वैसा ही ठंडी हवा आपको देगी लेकिन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपकी थोड़ी प्रीमियमनेस को फील करवाती है जो मैनुअल एसी नहीं करवाती, इसलिए कॉम्फर्ट फीचर के मामले में फ्रॉन्क्स आगे निकल जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। सबसे पहले कॉमन फीचर्स की बात करते हैं, ABS with TBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, 3-point सीट बेल्ट्स और आइसोफिक एंकर। इसका अलावा 3XO में एक फीचर आपको एक्स्ट्रा मिलता है जो कि है 6 एयरबैग। फ्रॉन्क्स में भी एक्स्ट्रा मिलता है जो कि है हिल होल्ड असिस्ट जो काफी यूजफुल फीचर है अगर आप नया नया गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो। तो सेफ्टी पैकेज को अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो डेफिनेटली दोनों ही गाड़ियों में आपको एक अच्छी सेफ्टी पैकेज ऑफर करी जाती है
3XO में आपको पैसिव सेफ्टी के तौर पर 6 एयरबैग मिल जाता है, जबकि फ्रॉन्क्स में आपको हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है, जो काफी प्रैक्टिकल और यूजफुल फीचर है। अगर आप नया नया गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो ये काफी आपको हेल्प करती है गाड़ी को चलाने में। लेकिन अगर बात करें क्रैश टेस्ट रेटिंग की, तो वो XUV300 का हुआ था पुरानी नॉर्म्स के तहत, और वहां पर उसको 5 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली थी। नए नॉर्म्स में अगर क्रैश टेस्ट होती है तो यहां पर भी इसको अच्छी स्कोर मिलेगी, लेकिन फ्रॉन्क्स की नहीं हुई है, इसलिए हम लोग क्रैश टेस्ट को सामने रखकर XUV3XO को विनर बनाते हैं। फ्रॉन्क्स की जब हो जाएगी तब फ्रॉन्क्स के बारे में बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टैंडर्ड वारंटी की। तो XUV3XO में आपको मिलता है सेगमेंट में सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर की। फ्रॉन्क्स में मिलती है 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राइसेस की। तो XUV3XO का कॉस्ट रहेगा 7.49 लाख रुपए, फ्रॉन्क्स का रहेगा 7.51 लाख रुपए। तो दोनों के ही प्राइसेस सेम है, तो आप बात कर लेते हैं कॉन्क्लूजन की, आपको कौन सी प्रेफर करनी चाहिए। तो देखो, इस वीडियो के कॉन्क्लूजन में महिंद्रा XUV3XO विनर बनेगी, क्योंकि आपको सब कुछ बढ़िया मिलती है। आपको केबिन पेस बढ़िया मिलती है, बूट पेस को इम्प्रूव किया गया है, ग्राउंड क्लियरनेस अच्छी मिलती है, पावरफुल इंजन मिल जाता है, कॉम्फर्ट जो फीचर है वो भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, सेफ्टी पैकेज आपको बढ़िया मिलता है, स्टैंडर्ड वारंटी सेगमेंट लीडिंग मिल जाती है, और प्राइसेस भी फ्रॉन्क्स के बराबर ही आपको चुकानी पड़ती है। तो इस वीडियो के कॉन्क्लूजन में तो XUV3XO ही विनर बनती है। लेकिन अगर आप महिंद्रा को पिछले 2-3 सालों से फॉलो कर रहे हो, तो कंपनी ने इसकी शुरुआत की थी महिंद्रा XUV700 SUV से, उसके बाद स्कॉर्पियो N और अब XUV3XO, तीनों में ही कंपनी ने इसको फॉलो किया है। 15 तारीख से इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी और सबसे पहले कंपनी टॉप मॉडल को ही डिलीवरीज देंगी, बेस मॉडल की डिलीवरीज नहीं देंगी। तो ऐसा करते करते लगभग 1 से 1.5 साल गुजर जाएगा, उसके बाद बेस मॉडल की प्राइसेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, तब 8 लाख या फिर 8 लाख के ऊपर ही चली जाएगी। तब सभी गाड़ियों की प्राइसेस के साथ साथ इसकी प्राइसेस भी बिल्कुल सेम हो जाएगी, और तब ये उतना वैल्यू क्रिएट नहीं करेगी जितना अब फिलहाल कर रही है। और अगर आप 15 तारीख को बेस मॉडल बुक करने जाओगे भी तो कंपनी बुकिंग नहीं लेगी, क्योंकि कंपनी का यही तो खेल है जो पिछले 2-3 सालों से कंपनी खेल रही है, सेगमेंट से सबसे कम प्राइसेस में बेस मॉडल को लॉन्च करती है लेकिन बेस मॉडल आपको देती नहीं है। तो वैसा ही XUV3XO के साथ भी कंपनी करेगी, बेस मॉडल आपको मिलेगी नहीं। इसीलिए मेरे हिसाब से आपको फ्रॉन्क्स को ही प्रेफर करनी चाहिए। फ्रॉन्क्स में आपको जो इंजन मिलता है वो रिलायबल इंजन मिलता है, आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। उसके साथ कंपनी फिटेड CNG मिल जाती है, तो अगर आपको कंपनी फिटेड CNG SUV चाहिए तो फ्रॉन्क्स आपको प्रेफर करनी चाहिए। कॉम्फोर्ट फीचर में XUV3XO से बेहतर है फ्रॉन्क्स, आपको सिर्फ म्यूजिक सिस्टम लगानी है, बाकी पूरी कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाती है। सेफ्टी फीचर में भी 6 एयरबैग आपको मिलता नहीं है, डुअल एयरबैग ही मिलता है, लेकिन बाकी के सारे नेसेसिटी वाले फीचर आपको मिल जाता है। उसके साथ हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है, जो काफी प्रैक्टिकल हो जाता है अगर आप नया नया गाड़ी को चलाना सीख रहे हो, तो काफी हेल्प करेगी आपको ये फीचर जो फ्रॉन्क्स में आपको मिल जाती है स्टैंडर्ड। उसके साथ प्राइसेस भी आपको 3XO के सिमिलर ही मिलने वाली है, आपको सिर्फ एक ही कमी मिलेगी और वो है स्टैंडर्ड वारंटी, आपको सिर्फ 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर का ही मिलता है, वो ही एक कमी है। बाकी ओवरऑल फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल सिग्मा काफी वैल्यू क्रिएट करेगी, तो मेरे हिसाब से आपको फ्रॉन्क्स को ही प्रेफर करनी चाहिए और XUV3XO का बेस मॉडल को स्किप करना चाहिए, क्योंकि कंपनी आपको देगी नहीं। तो ये थे वीडियो के नीचे, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय। We'll be right back.